हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी स्पेशल मैथ सीरीज का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग हर एक सेट में एक क्वेश्चन कवर करते हैं और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू रूट 2+1 देन कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉट थीटा की वैल्यू गिवेन है √2+1, आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल मेथड से आओ, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लम, कर्ण निकाल के वैल्यू पुट करो। लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा और हो सकता है बाद में आंसर गलत हो जाए। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। एक तो होता है sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको याद रख लो आप। sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड अपॉन 1+tan²θ। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan के फॉर्म में 2 tan थीटा डिवाइडेड अपॉन 1+tan²θ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवेन है, कॉट थीटा इक्वल टू √2+1 गिवेन है। हमें निकालना है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस टर्म को हमने टेन थीटा के फॉर्म में चेंज कर लिया तो केवल वैल्यू पुट करना होता है और एक आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin θ इंटू कॉस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/2 sin θ इंटू कॉस थीटा। तो अभी मैंने क्या बताया था, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, sin 2θ। तो इसको लिख सकते हैं 2/sin 2θ। और sin 2θ को tan के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्या बताया था मैंने, 2/sin 2θ क्या होता है, 2 tan θ डिवाइडेड अपॉन 1+tan²θ। ये नीचे वाला टर्म क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, tan²θ डिवाइडेड अपॉन 10θ। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में, 10θ के फॉर्म में आ गया, 1+tan²θ डिवाइडेड अपॉन 10θ। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, √2+1। तो 10θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10θ की वैल्यू हो जाएगी 1/√2+1। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले इजी फॉर्म में, तो क्या करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2+1 का कंजुगेट क्या होता है, √2-1। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2-1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी 1/√2+1। ऊपर नीचे हमने क्या किया, √2-1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो a+b a-b के फॉर्म में है, तो क्या होगा, a²-b², मतलब √2 का होल स्क्वायर 2 होगा, -1 का स्क्वायर, तो 2-1 1 होगा, तो नीचे की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2-1। tan थीटा की वैल्यू निकल गई। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल ही मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो इस tan थीटा की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, √2-1। अब मैं बाकी इरेज कर दे रहा हूँ, तो tan थीटा की वैल्यू आई है √2-1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1+√2-1² √2-1² डिवाइडेड अपॉन √2-1। इसको सॉल्व करो आप, क्या आएगा, 1+a-b² कितना हो जाएगा, तो a²+b² -2 भी होता है, तो a की जगह पे क्या है, √2 है, तो √2² 2 हो जाएगा, +b², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2ab, तो a क्या है, √2 है, b क्या है, 1 है, तो -2√2 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, √2-1।
टू प्लस वन प्लस वन, फोर माइनस टू रूट टू, फोर माइनस टू रूट टू होगा डिवाइडेड अपॉन रूट टू माइनस वन। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, दो कॉमन ले लेंगे, तो जब दो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, टू माइनस रूट टू डिवाइडेड अपॉन रूट टू माइनस वन। अब देखो दो को हम लोग लिख सकते हैं रूट टू का होल स्क्वायर या रूट टू इंटू रूट टू, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टू दो को लिख सकते हैं ऐसे रूट टू इंटू रूट टू माइनस रूट टू डिवाइडेड अपॉन रूट टू माइनस वन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रूट टू कॉमन है ना, तो रूट टू बाहर ले लेंगे, तो क्या आएगा टू रूट टू, क्या बच गया रूट टू माइनस वन डिवाइडेड अपॉन रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन रूट टू माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर हमारा टू रूट टू हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे ना इसी मेथड से तो काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू रूट टू आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, तो सबसे पहले तो साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन टू थीटा को टेन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या देखा, अगर इसको हम लोग टेन थीटा के फॉर्म में चेंज कर ले तो काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसे चेंज किया किस में, टेन थीटा के फॉर्म में क्या आया था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। यहाँ से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट करी, फिर आंसर कितना आया था, टू रूट टू हमारा आंसर आया हुआ था। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।